स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन लेके आए हैं वापस वो पुष्पा मूवी के ऊपर ही है। तो जो पहला फर्स्ट सीन अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम आई बटन के ऊपर भी दे देंगे और एंड स्क्रीन के ऊपर भी दे देंगे और ये दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। बेटा बेटा कैसे गए? सौ वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, हजार वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। काम भी तलाश में वहां से तो छोड़ ही दिया था। नो रास्ता जोरदार है, पूरा जंगल है। एक बस तो अंदर ही चल रही है इसकी। ऐसे रास्ते में भी कटाई करने जा रहे हैं। ये स्टार्ट पुलिस वाले की गाड़ी एग्जाम रखने के लिए बिठा रखा है। आगे से आगे कड़ी जुड़ रही। ओ सब भागने लगे। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो के चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? की करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम है? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर, अक्ल नहीं है क्या? साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी। ओहो खुल्लम खुल्ला बोल दिया। तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? कायर हलकर दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है। कायर साहब तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को? कायजाला साहेब तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने फुखार। मैं आपको
मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसके बाद सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर, इन जंगलियों को मुंह मत लगा। ले तेरा 25 किलो का, ये तो ले वरना मैं रख रहा हूँ। खूब लकड़ियां काट दिया। मेरे को कुछ बोलने का था। काय को? मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या? बीड़ी के अलावा। नाम क्या है? मेरा नाम केशव है। प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल? वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गाँव जा सकूँ। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। मंजे, तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है तेरे को? 10 लाख कमाने का। 10 लाख? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ मैं। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाऊ के लिए आया। आज से भाऊ अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बेबो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के शहंशाह की तरह बीड़ी फूंक रहा है, वही है। वो मजदूर है राजा नहीं, उसको बोल खुदा के लेके जाए। आज भले ही भाऊ पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। बकरा है फुटिया से। ओ, फिर पुलिस वाला है। क्या बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां है तेरे पास, अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली, हो गया हिसाब बराबर। हिसाब तो अभी बराबर नहीं हुआ। अच्छा, ओ अब आगे बंदूक से अच्छे अच्छे पड़ती है। ट्रक कहाँ है? कायरे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। ताने जल के बात करते हैं, लस्सी इधर कितना धूप है। लस्सी पीते पीते टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पूरी मूवी के अंदर जो इनका एटीट्यूड रहता है ना, स्टार्टिंग से झलकता है, जब कुछ थे नहीं उससे पहले ही झलकता है। मतलब एक तरह से जो कैरेक्टर दिया है बड़ा जबरदस्त सा दिया है इन्होंने। और ये पुष्पा 2 जो आने वाली है, हो सकता है वो KGF 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ दे। हाँ, क्योंकि अभी तो केवल एक बिगिनिंग बताई है। पुष्पा आगे चलकर क्या क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। और बहुत सारे तो हैं जो KGF 3 को पुष्पा 2 के साथ जोड़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीन होने वाला है साथ में। अब लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा है या नहीं है। तो चलिए कुछ सीन है उसके अलावा अपन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है, पुष्पा 2 है उसका आइडिया मेकर्स जो है उनके दिमाग में कब आया? वो ये तब आया था जब इस मूवी का 80% पार्ट शूट हो चुका था
था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसका दूसरा पार्ट भी बाहुबली की तरह मनाया जाए। और फिर दूसरी बात यह है क्योंकि जो एक निर्माता है वाई रविशंकर, तो उनके हिसाब से उनका कहना यह है कि ये ढाई घंटे में ये मूवी पूरी नहीं हो सकती थी, इस वजह से फिर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसी आधार पर ये दूसरी मूवी जो हम देखने वाले हैं पुष्पा 2 वो भी आने वाली जल्द। बात की जाए दूसरे फैक्ट की, तो पुष्पा मूवी की जब जंगलों के अंदर शूटिंग की जाती थी आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल के अंदर, तो वहाँ पर रोजाना 300 गाड़ियों की जरूरत पड़ती थी। मेकर्स बताते हैं कि जब शुरू शुरू में पुष्पा मूवी की शूटिंग हुई थी तो काफ़ी भीड़ की जरूरत होती थी, तो 1500 लोगों की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए लगभग 300 गाड़ियों की जरूरत पड़ती थी। जब कोई सीन दिखाया जाता था तो उसके लिए 500 लोगों की जरूरत पड़ती थी, और जब एक गाना शूट होता था तो उसके लिए 1000 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तीसरा फैक्ट ये है कि जंगल में सड़कें बनानी पड़ी। उसका रीज़न ये था कि चंदन की जो तस्करी के जो सीन्स आते थे उनको बताने के लिए वहाँ पर रास्ता ढंग से नहीं था, तो इस वजह से जो गाड़ी चलाई जाती थी तो उनको दिक्कत आती थी चलने में। सड़कें हैं वो बनाई गई है, उसके बाद फिर ये शूटिंग की गई है। कैसा लगा आप सभी को ये रिएक्शन, कैसा लगा ये सीन, कैसा लगा और ये फैक्ट्स कैसे लगे जरूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।